दोस्तों, जब भी हमारे भोजपुरी में कोई श्रद्धा शक्ति और भक्ति मन से गाते हैं तो कुछ इस टाइप से गाते हैं। न बाटो राम को मेरे, इमोशन से भरे हुए हैं। हर एक लाइन जो है ना गाने का, पूरा इमोशन से भरा है। प्रभु श्री राम सबके, क्या ब्यूटीफुल वॉइस है अक्षरा जी आपका। आपने सभी राम भक्तों की दिल को मोह लिए हैं और ये लाइन बहुत अच्छी है। आपने जो गाए हैं, हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, इसमें क्या मधुर आवाज है, क्या सांस्कृतिक से जुड़े इमोशन से है। और ये इमोशन से ही इस गाने को बड़े लेवल पे लेके चला गया है। और अक्षरा सिंह ने इसमें इतना सुंदर मधुर आवाज में कहे हैं, न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं, बैर सबरी का भी है और रघुवर अपने शबरी के भी राम। क्या लाइन है, बहुत अच्छी लाइन कही जा सकती है। न बाटो राम को मेरे, और अक्षरा सिंह जी ने इस लाइन से मतलब पूरे राम भक्तों के दिल पे राज कर रही है, मानो कि सबकी दिल को जीत चुकी है, भाई साहब जीत चुकी है। और अक्षरा सिंह की ये जो वस्त्र धारण है बहुत अच्छी सांस्कृतिक तौर पे है, इसमें कोई डॉट्स नहीं है। कोई होंगे पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार जो भी होंगे, लेकिन अक्षरा सिंह ने इस मधुर भरी आवाज से सबके दिलों पे राज कर रही है, इसमें कोई डॉट्स नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी एक संदेश के तौर पे माने जा सकते हैं, जो अक्षरा सिंह ने जो इसमें संदेश दिए हैं, मेरे राम को मत बांटिए, राम सबके हैं। वाकई में राम सबके, राम बांटने वाली चीज नहीं है, आपका भी है, उनका भी है, मेरा भी है, सबका राम है। हमें राम को नहीं बांटना चाहिए। और उन्होंने इस लाइन से बहुत ही प्यारी भजन दिए हैं। इस बार कहीं जा सकती है जो अक्षरा सिंह मतलब भजन में भी अकेली एक भोजपुरी की ऐसी सिंगर है और बड़ी एक्ट्रेस भी है, जो इस भजन से साबित कर दिए हैं। बिना सोच सुदामा को भी दे देते दिल खोल के, इमोशन से भरे हुए हैं। हर एक लाइन जो है ना गाने का, पूरा इमोशन से भरा है। और इस गाने को सुन के लास्ट तक ऐसा लगता है जो आंख से आंसू आ जाता है, ऐसे भजन को बनाए गए हैं। और ऐसे ही भजन को बनाना भी चाहिए, जिस टाइप से इस भजन को बना है, पूरा सांस्कृतिक चीजों से सब कुछ को उठाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे भोजपुरी में ऐसे ही अगर इमोशंस भरी सॉन्ग गाते रहे तो हमारे भोजपुरी एक दिन बहुत हाई लेवल पे जाके रुकेंगे। और अक्षरा सिंह ने इस चीज का प्रारंभ कर दिया है इसी गाने से ही। समझ रहे हो ना, समझ गए, आया मजा है ना। और इस गाने ने काफी शोर गोर हल्ला गुल्ला पूरा इंडिया में मचा के रख दिया है। फिलहाल मैं अभी मुंबई में हूँ और मुंबई में भी यही गानों को सभी राम मंदिर में, चाहे हनुमान मंदिर, जो भी सांस्कृतिक मंदिर है, सभी मंदिर में अभी यही गाना दोस्तों बज रहा है। तो हमारे यूपी बिहार में तो अभी खास करके ये गाना बज रहे होंगे। न बाटो राम को मेरे, जो भी भक्त जाते हैं वो यही गाना पे रील्स वगैरह भी देखते हैं, यही गाने पे बनाते हैं। दोस्तों ये देख के तो मुझे मुंबई में आश्चर्य लग गया, भाई साहब अब हमारे भोजपुरी को फॉलो करते हैं मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, हर जगह। अक्षरा सिंह जी ने बहुत ही प्यारी भजन दिए हैं इस बार, इसमें कोई डॉट्स नहीं है। और ऐसे ही हमारे सांस्कृतिक भजन आते रहे तो हमारी भोजपुरी की काफी नाम होगी।